सत्ताधारी दल कई बार तालिबान से कांग्रेस ने कभी नहीं किया जब तक हम सत्ता में थे, पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और तालिबान का रिश्ता पुराना है, पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और तालिबान का रिश्ता पुराना है। IC-814 की हाईजैकिंग याद कर लीजिए, जब उसे अमृतसर, जब आप कांधार अफगानिस्तान जाकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद उनके मंत्रीगण हिंदुस्तानियों के कत्ल का दोषी उग्रवादी, कुख्यात उग्रवादी मौलाना मसूद अजहर जरगर और अन्य उग्रवादियों को जम्मू कश्मीर की जेल से जबरन रिहा कर वहां छोड़कर आए थे, तो क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तालिबान के थ्रू वो समझौता नहीं किया था? उसका जवाब भी दे दें आदरणीय मोदी जी। और दोहा में क्या गुपचुप तरीके से कोई इंडियन डेलीगेशन भेजा था तालिबान से बात करने के लिए? हमने तो परसों भी सवाल पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इसलिए अफगानिस्तान की स्थिति अत्यंत गंभीर है। मैंने परसों सुबह भी आपको कहा था, भारत सरकार को चेताया था, अफगानिस्तान में हिंसक उग्रवादी ताकतों का शासन बन गया है, हमें अपने हितों की रक्षा करनी है। और वहां पर जब हिंसक उग्र ताकतें कब्जा कर लेती हैं तो सीधे सीधे पाकिस्तान स्थापित उग्रवादियों को संरक्षण मिलता है। भारत सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? टेलीविजन के माध्यम से डिबेट तो करवा रही है, पर आगे आकर मोदी जी या अमित शाह जी दो शब्द बोलकर तो बताएं, हमें ना बताएं, आज तक इंडिया टुडे को ही बता दें, एबीपी को बता दें, इंडिया टीवी को बता दें, न्यूज 24, सीएनएन, आईबीएन को बता दें, आईबीएन 7 को बता दें, किसी को तो बताएं। नए चैनल को बता दें, टाइम्स नाउ हिंदी को बता दें, चलिए आप लोगों को नहीं बताते थे। आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन, थैंक यू। यस मैम, सुप्रिया जी, परसों भी हमने ये चिंता जाहिर की थी। भारत ने हमेशा, सरकार कोई भी रही हो, और यह कांग्रेस के समय की नीति है जो चली आ रही है, अफगानिस्तान में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए लोगों की चुनी हुई सरकार ही वहां अमन चैन और सरकार चलाए, हम इसके पक्षधर रहे हैं। जब प्रजातंत्र होगा तो महिलाओं और बच्चों को समान अधिकार होंगे। जब पिछली बार तालिबान ने वहां कब्जा किया था तो वहां महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक वर्गों के साथ और प्रजातंत्र की आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति के साथ किस प्रकार का दुर्दांत, दिल दहलाने वाला दुर्व्यवहार हुआ था, यह सोचकर भी आत्मा दहल जाती है। और स्वाभाविक तौर से पूरी दुनिया की महिलाओं को आज इस बात को लेकर गंभीर चिंता है, समेत अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों को, कि उनकी शिक्षा, उनके समान अधिकार, उनके प्रजातांत्रिक अधिकार, उन सब का फिर एक बार हनन हो जाएगा। और यह चिंता वाजिब है, हम उस चिंता से अपने आप को जोड़ते हैं। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें, हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर